दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज है 27 नवंबर 2023। आज सुबह सुबह अभी टाइम हो रहा है 7:50 और फिर आज नहाने जाना पड़ेगा। और पता है क्यों? क्योंकि आज है गंगा नहान। और दूसरा बात ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि जो नहाने वाला मतलब पर्व है ठंडी में कौन रख दिया है सब। 26 जनवरी वो भी ठंडी में लगभग तो आता है। खिचड़ी, गंगा नहान और पता नहीं कौन कौन से ऐसे पर्व है, सब ठंडिये में आते हैं। और फिलहाल हमको मजबूरी में जो भी है जैकेट स्वेटर सब उतारना पड़ता है। उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से स्नान करने के बाद क्या होता है, और उस दिन जल्दी ही रजाई में से निकलो, घर द्वार साफ सफाई के साथ साथ बहुत सारे काम। फिलहाल इसके बारे में सोचेंगे कौन महान वो व्यक्ति थे सारे ठंडी में ही मतलब नहाने वाला पर्व का ऐलान कर चले गए। और उनका तो पता नहीं, लेकिन हम लोग का दशा बहुत ज़्यादा खराब है। 1 जनवरी के नहाओ, खिचड़ी के दिन गंगा नहान स्नान। फिलहाल मिलते हैं नहाने के बाद और देखते हैं कि नहाने के बाद बचेंगे या फिर यमराज से भेंट करेंगे। फाइनली दोस्त, मैं नहा धोवा के फिट हो गया हूँ और देख शॉर्ट भी चेंज हो गया। पहली बात मैं बता दूँ कि अगर कोई भी मतलब पर्व बनाया गया, खास करके हमारे हिंदू धर्म में, तो वो कहीं ना कहीं किसी मतलब कारण से बनाया होगा। किसी समझ सकते हैं कोई मतलब कोई ना कोई उसका कारण होगा और उसके पीछे कोई ना कोई जरूर वजह होगा, इसलिए बनाया गया। तो हमें जो भी रूल रेगुलेशन है उसे मानना ही चाहिए, क्योंकि हमसे भी बहुत आगे आए और चले गए वो लोग भी इस रूल को मानते हैं, तो हमें नहाना चाहिए। और फिलहाल अगर ठंडी में सारा पर्व पड़ गया इसका तो मज़ा ही कुछ अलग है। गर्मी में नहाओ तो आपको कोई फीलिंग नहीं मिलेगा, लेकिन ठंडी में आप नहाओगे तो सब एकदम गजब का फीलिंग आता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा।